अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, कि आज अगर फलस्तीन है तो कल खुदा ना खास्ता हम भी हो सकते हैं। अगर आज हमने इस जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो फिर बाद में हम किसको जिम्मेदार करार देंगे। इसकी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलामा जमील अमीनी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। जब हम बात करते हैं फलस्तीन, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम की और तमाम मुस्लिम उम्मा के किरदार की, अगर मैंने बात की चार ममालिक के मैंने नाम लिए कि जी सबसे पहले तो पाकिस्तान, फिर तुर्की, मलेशिया, सूडान, ये चार पांच ममालिक हैं जो बात भी कर रहे हैं, जो आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सब खामोश हैं। एक मजम्मती बयान के अलावा आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि वो डायरेक्ट प्रेशराइज कर सकते हैं इसराइल को, दीगर जो ममालिक हैं उनको, ताकि वो इसराइल पर प्रेशर डलवाएँ, लेकिन जो खामोशी है, इस खामोशी का खुमियाजा कैसे भुगतना पड़ सकता है हमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम तरीन मौके के लिए हमारा नुक्ता नज़र जानने के लिए हमें मौका फराहम किया है। मौका मुबारकबाद देने का नहीं है, मगर बात ये इलाहे हक को बुलंद करने के लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, अल्लाह ताला आपको इसकी अजर अजीम और जजाय खैर अता फरमाए। देखिए मोहतरमा, के अब मामला वही है कि मजम्मत, मुझ जैसा हल्का आदमी और छोटा आदमी तो मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, मगर साहिब इक्तदार जो आला अल्लाह ताला ने उनको मनसब अता फरमाया है और इस्लामी मुल्क का आपको सरबराही अता फरमाई है, तो आपको तो मरम्मत की कॉल देनी चाहिए ना। आपको तो ये होना चाहिए कि आप उसको कहें कि हम मरम्मत करने को तैयार हैं। फिर आपने ये शाहीन, ये गौरी, ये सारी चीज़ें जो आपने बनाई हैं वो किस दिन के लिए बनाई हैं? हम बर्मा को देखें, हम दूसरे कश्मीर के मामलों को देखें, तो डायलॉग्स होते हैं 70 सालों से तकरीबन जो है, और तारीख तो बहुत पुरानी है बैतुलमक़दस शरीफ की, मस्जिद अक्सा की, मगर 70 सालों से देखें खूनों रंग की होलियाँ खेली जा रही हैं ना, और उस पर कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। हमसे बेहतर तो वो लोग हैं जो वसाइल के अतबार से और एटॉमिक होने के अतबार से इतने पावरफुल नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, तो क्या अब फलस्तीन वाले क्या पाकिस्तान को देख रहे हैं? वो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि कश्मीर के मामले में ये मिली नगमे भेज देते हैं बना बना कर। ये कश्मीर का जब मामला आता है तो कश्मीर में जो है वो मिली नगमे चल रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया जनाब, ये हिकमत अमली है, ये पॉलिसी। दूसरी बात, खुमियाजा क्या भुगतना होगा? देखें इनका थिंक टैंक जो मनसूबा है वो ये सिर्फ फ़लस्तीन बैतुलमक़दस तक, मस्जिद अक्सा तक नहीं है। मस्जिद अक्सा को जब ये डेमोलिश कर देंगे उसके बाद इनका कदम हिजाज की तरफ होगा, मदीने की तरफ होगा, मक्के की तरफ होगा। आपके ये दो शहर जो अमन व सलामती वाले हैं ये भी नहीं बचेंगे, और जब ये नहीं बचेंगे तो आप देखिए इसका दायरेकार कहाँ तक बढ़ता हुआ वसी हो जाएगा। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से लेकर अब तक मदीने शरीफ से जब ये सारे ज़ायनिस्ट निकाले गए, ये यहूद नसारा निकाले गए, तो इनको पनाह मिलने वाली ज़मीन पर अब ये अपनी अजारादारी को कायम करना चाहते हैं। ये छोटे से खत्ते पर जब इनको जगह दी गई तो अब ये उसका तूलो बलात बढ़ाना चाह रहे हैं, और बढ़ाने का फार्मूला इनके पास ये है कि जो उनमें रुकावट डालता है उसको मारें, दरिंदगी का निशाना बनाएं। दूसरी बात ये है, हमारा ये जो तारीखी विरसा है, मैं एक चीज़ की और मजम्मत करना चाहता हूँ। कल परसों में देख रहा था, मुझे नहीं मालूम वो मोहतरमा कौन है, मगर हमारी नेशनल असम्बली में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें तो किबला अव्वल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना होगा कि इसका दायरा बढ़ सकता है, और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हमारा मुल्क भी हो सकता है, ये सोचना होगा सबको। अल्लामा अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, उनसे बात करेंगे। अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम बात करते हैं कि जी इतना जुल्म फलस्तीन पर हो रहा है, आज मजम्मत एक मुल्क देता है, फिर OIC का इजलास होता है, वहाँ पर मजम्मती करारदाद जमा होती है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है बस, और कोई सोल्यूशन नहीं है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन के 3 इजलास होते हैं, लेकिन नतीजा क्या? हम जब बात करते हैं जी अमली इकदाम, तो अमली इकदाम हो क्या सकते हैं? दुनिया क्या कर सकती है और करना क्यों नहीं चाहती? देखिए, पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इसराइल जो है ना वो इंटरनेशनल आउटलॉ है, एक टर्म होता है इंटरनेशनल आउटलॉ। तो इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि एक ऐसी रियासत है, बल्कि जो कि सारी दुनिया में बेलगाम बगैर किसी एहसास जिम्मेदारी के वो हर किस्म की हरकतें करती है, और उसका टारगेट जो है
वो बदकिस्मती से फलस्तीनी कौम है, और फलस्तीनी कौम एक हैसियत रखती है, ये एक बहुत बड़ी कौम है। अभी सारे प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, बहुत से टीचर्स, ये इस कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है वो इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई इसका इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। अच्छा, अब जो एक्शन हुआ है आप जिसका जिक्र कर रही थी, तो वो ओआईसी का सेशन हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ, जिसमें कि कुछ खास नतीजा इसलिए नहीं निकला कि वो बैनुल-अक़वामी सियासत वहाँ छाई हुई है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया में इस चीज़ का एक बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस सारे मसले को फौरन के फौरन टेकअप करना चाहिए, क्योंकि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब वो जो रेड लाइन कहते हैं वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। सर, रेड लाइन तो क्रॉस हो गई, लेकिन आपको लगता है कि टेकअप किया जाएगा? या तो पर्सनल इंटरेस्ट खत्म नहीं होते? मैं देखिए ना, यानी ये हालांकि पाकिस्तान का रोल बहुत शुरू जमाने से पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस मसले में, और जितने यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े रेजोल्यूशंस थे 242, 363, वो पाकिस्तान की कोशिशों से हुए थे अडॉप्ट। तो अब मैं समझता हूँ कि दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो जब तक असरअंदाज नहीं होंगे, जब तक वो एक स्टैंड नहीं लेंगे, तो फलस्तीनी कौम उसी तरह बेचारी बर्बाद होती रहेगी और तबाही का सामना करती रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जी अमली इकदाम, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि टू स्टेट सोलूशन जो कि पेश किया गया है, टू स्टेट सोलूशन क्यों, क्या आपको लगता है ये एक सही हल है? क्योंकि दहशतगर्द इसराइल जो वहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहा है, उन्हीं के इलाके पे कब्जा कर लिया, 15% इलाका है जो कि फलस्तीनियों के पास है, और उसके बाद उस दहशतगर्दी के जवाब में आप हल पेश करते हैं टू स्टेट सोलूशन, क्या आपको लगता है कि वाकई सही एक सोलूशन है? हाँ, मतलब कि जो जिस तरह की सूरत हाल थी, ये 1990 में ऑस्लो अकॉर्ड के तहत टू स्टेट सोलूशन का प्रपोजल आया और वो दोनों फरीक ने उसको कबूल किया, पीएलओ ने उस जमाने में और इजराइल ने, तो वो टू स्टेट सोलूशन एक रीजनेबल बात है। हालांकि पहले जो अरब मुल्कों का और फलस्तीन का स्टैंड था वो था कि इजराइल का वहाँ होना ही गलत है। अब मसलहतन फिर टू स्टेट सोलूशन की बात हुई और वो भी मानी गई, लेकिन इसराइल जो है उससे मुकर गया। मैं जॉर्डन में सफीर रहा हूँ पाकिस्तान का जी। और मैं यासिर अराफात से मेरा रابطہ रहता था और पीएलओ से रابطہ रहता था, तो वो लोग तो टू स्टेट सोल्यूशन से कोई इतने ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वो चाहते थे कि कम से कम ये हो जाए कि एक इनकी रियासत बन जाए, तो वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी एक बनी पीएनए। वो पीएनए अभी भी जो वहाँ पे है वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे पे, वो पीएनए का कंट्रोल है वहाँ पे, लेकिन गाजा में अब हमास का कंट्रोल है। तो एक तो मसला उन दोनों का भी है, वो उसकी वजह से उनके मुत्तहिद ना होने की वजह से भी उनकी टोटल स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ गई है। तो बस ये बहुत बदकिस्मती है। अब इसराइल जो एक उसने बहाना लिया हुआ है रॉकेट अटैक हो रहे हैं, तो रॉकेट अटैक तो होंगे जब एक कौम बिल्कुल ही बेजार हो जाए।